शिरो आपका स्वागत करती हूँ हेडजेट न्यूज में। अगर उस दिन जया बच्चन मान जाती तब अभिषेक बच्चन की ये होती बीवी और अभी 43 एज में दूसरी शादी करेंगी। कौन है ये खूबसूरत महिला, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। आप लोगों ने राजा हिंदुस्तानी मूवी तो देखी होगी, बहुत ही प्यारी मूवी थी और आमिर खान और जो कि करिश्मा कपूर है इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी और करिश्मा कपूर ने इतने सारे हिट हिट मूवीज हमारे बॉलीवुड की इंडस्ट्री को दिए हैं। 90s के टाइम पे एक्चुअली पूरी जगह पर करिश्मा कपूर ही छाया हुआ था क्योंकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि अभी भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और 43 एज में वो दूसरी शादी करने जा रही है, ये पूरी अफवाहें उड़ रही है। अफवाहें हैं ये, कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको नेक्स्ट न्यूज में बताएंगे। पर अगर उस दिन जया बच्चन मान जाती तो करिश्मा कपूर ही अभिषेक बच्चन की वाइफ होती। आप लोगों को पता होगा कि पहले ऐश्वर्या राय से पहले करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का अफेयर चल रहा था और एक दूसरे को वो डेट कर रहे थे और उसी दौरान धीरे धीरे करिश्मा कपूर की जो मूवीज आई जा रही थी सुपर डुपर हिट हुए जा रही थी और अभिषेक बच्चन की जो मूवी आ रही थी वो एकदम फ्लॉप हुए जा रही थी। और उसी दौरान जो करिश्मा कपूर की माँ है वो उन्होंने ये चीज सोच ली कि अगर वो अभिषेक बच्चन के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे तो उनकी बेटी के करियर के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। और उसी जब जया बच्चन को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। हालांकि उससे पहले एंगेजमेंट तो हो चुकी थी पर फिर भी आना तानी कुछ ना कुछ हो रहा था तो इसलिए वो दोनों अलग हो गए सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को लेके। अगर ये सब चीजें उसको सेटल आउट कर लिया जाता तो शायद आज ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं होती, करिश्मा कपूर बच्चन हो जाती। तो आई होप गाइस आपको जान के काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।